फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 17 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की एग्ज़ाम हो चुकी है और आगामी टीचर शिक्षक और शिक्षिकाएं बाहर निकल के आ रहे हैं, उधर थोड़ा सा दिखा दो। और आप को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, रंगों का त्यौहार है। मैम कितना स्कोर गया महोदय, कितना स्कोर, स्कोर कितना ज़्यादा नहीं गया, शुरुआत में मुहूर्त खराब कर दिया। 100 सर कितना स्कोर किया? 81 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। मैम कितना स्कोर किया, कितना स्कोर किया? 76 कौन सी कैटेगरी? जनरल। कैसा था पेपर आज का? टॉप था। ठीक है, थैंक यू सर। महोदय कितना स्कोर किया आपने? मैंने 90। 90 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। थोड़ा सा आगे जाओ। मैम कितना स्कोर किया आपने? 64। मैम आपने कितना स्कोर किया सर? कितना स्कोर? 107 कौन सी कैटेगरी? जनरल राजस्थान से सर हम। एक मिनट रुकना, मैं सबका नंबर पूछ लेता हूँ, है ना सर? एक मिनट रुकना है ना, बस 5 मिनट में। सर कितना स्कोर किया? 85। भैया क्या क्या काम? अरे तुम फालतू की बातें मत करो। हाँ कितना स्कोर? मैम कितना स्कोर किया, कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? 80। आपने कितना किया? आपने कितना किया सर? 80 नंबर आया। 80 नंबर। मैम कितना स्कोर किया आपने? 80। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी जनरल। भैया कितना स्कोर किया आपने स्कोर? है मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया? थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैम कितना स्कोर किया आपने? मैम आपने कितना किया? आपने कितना किया मैम? 80। कौन सी कैटेगरी? जनरल। आपने कितना किया मैम? कितना? कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कैसा था पेपर आज? अच्छा था सर। कितना स्कोर किया? 97। 90 नहीं यूपी वगैरह नंबर। हाँ मैम कितना स्कोर किया? 80। आपने कितना किया? 83। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। आपने कितना किया मैम? 70। आपने कितना किया? 90। एक मिनट सर, मैम कितना स्कोर किया आपने? 80। कौन सी कैटेगरी? ये ओबीसी। ठीक है, थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? स्कोर कौन सी कैटेगरी बता दो। कैसा था पेपर आज का? आज का पेपर कैसा था? क्या क्या पूछा गया? याद थोड़ी ना है, अच्छा भूल गए। अच्छा भूल गए, ठीक है, थैंक यू सर। कितना स्कोर किया आपने? 91। 90 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ठीक है, और पूछो ना। हाँ सर कितना स्कोर किया? 122। एक मिनट यहाँ खड़े हो जाओ भैया, है ना हाइस्ट में। मैम कितना स्कोर किया? 81। आपने? 77। वेरी गुड, थैंक। और पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आ जाओ। हाँ मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया सर? स्कोर कितना किया? लाइव चल रहा है मैम, बोल दो मैम। सर मेरा 60 नंबर। कैसा था पेपर था? अच्छा था। अच्छा था, ठीक है सर। महोदय कितना स्कोर किया आपने? 90। 90 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ठीक है। हाँ मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर 70। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कैसा था पेपर आज का? टॉप था पेपर। टॉप था, ठीक है, थैंक यू। हाँ मैम कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया? अरे काटे पर दौड़ रहे मैम तो। हाँ कितना स्कोर? अरे सिस्टर कितना स्कोर? नहीं यार सब भाग रहे हैं, देखो यार सब। और किसी का था? हाँ मैम कितना स्कोर किया आपने? सर कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया? मैम भैया कितना स्कोर? 93। 93 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। हाँ मैम सर कितना स्कोर किया? पेपर नहीं था सर। महोदय आपका पेपर था? महोदय पेपर था आपका? पेपर था। हाँ अब हो गए, सब हो गए, और इनसे अच्छे से अच्छे अच्छे नंबर हैं इनके, इनसे थोड़ा एक दो मिनट और रुक जाओ सर आराम से। मैम कितना स्कोर किया आपने? 86। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? टफ था। संस्कृत में क्या पूछा गया? संस्कृत में प्रत्यय था और विभक्ति से संबंधित प्रश्न थे, संधि थी, एक समास का क्वेश्चन था। बिल्कुल सही। और बाकी तो पैसेज से उसी से थे क्वेश्चन। थैंक यू, अच्छे दिया आपने। सर महोदय पेपर था आपका? हाँ सर। कितना स्कोर किया? 99। 99 कौन सी कैटेगरी? मैं जनरल से हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से। थोड़ा सा उधर खड़े हो जाओ, आपके अच्छे नंबर, सब भैया खड़े उधर। मैम कितना स्कोर किया आपने? 99। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। बता सकते हो कैसा था आज का पेपर? सर पेपर अच्छा था। क्या क्या पूछा गया पेपर में? पियाजेट से था, वाइगोत्स्की से था, और एक संधि से था, एक समास से था, और एक विभक्ति से था। ठीक है, अच्छे दिया, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ सर थोड़ा सा एक मिनट में थोड़ा नंबर पूछ लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से आराम से लूँ। सर महोदय पेपर था आपका? नहीं तो थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, है ना।
मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 75. कौन सी कैटेगरी? ओबीसी. आपने कितना किया? मेरा तो है. आपने कितना किया? नहीं मेरा होगा. मैम कितना स्कोर किया आपने? कुछ तो लिया कि कुछ लिया. आपका 83. कितना है आपके? कितना है? मैंने बता दिया ना, 90. अच्छा 90. मैम कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर? स्कोर बोला था अभी आपने. ठीक है, थैंक यू. कितना स्कोर किया आपने? 100. एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी वैसे आपकी? जनरल कैटेगरी. आउट हो सर. कितना स्कोर किया आपने? 97. कौन सी कैटेगरी? जनरल हूँ. जनरल. ठीक है, इधर पूछ लेते हैं, आ जाओ. मैम आपने कितना स्कोर किया? 77. कौन सी कैटेगरी? SC. कैसा था पेपर आज का? नॉर्मल. मैम आपने? 64 है सर. कैसा था पेपर आज का? ठीक नहीं था. मैम कितना स्कोर किया आपने? बता तो दिया, 77. कैसा था पेपर आज का? वो टफ था. टफ था. क्या क्या पूछा गया EVS में? EVS में तो सर कुछ याद नहीं है. आपका कितना? 81. कौन सी कैटेगरी? मैं SC. कैसा था पेपर आज का? ठीक था, बट संस्कृत थोड़ी टफ. अच्छा, संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में शिक्षण विद्या. मैम कितना स्कोर किया आपने? 73. क्या कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC. बता सकते हो किस प्रकार पेपर था आज का? टफ था, लेकिन याद नहीं है. अच्छा, भी क्या है? आपका सबसे अच्छा कौन सा पोर्शन लगा आपको? EVS अच्छा लगा. EVS में ये वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं है. अच्छा, हाँ तो भी क्या क्या पूछेगा, थोड़ा बहुत मोटे मोटे रूप से बता दो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे. मतलब वो टफ था, लेकिन मैं संस्कृत वगैरह सबसे टफ. संस्कृत. ठीक है, थैंक यू. और देख लेते हैं, आ जाओ. मैम आपने कितना स्कोर किया? बता दिया, थैंक यू. सर आपने कितना स्कोर किया? 80 नंबर आए. 80 नंबर. कौन सी कैटेगरी? SC. आपने कितना? 90 नंबर. कौन सी कैटेगरी? OBC. OBC. और पूछ लेते हैं, इधर आ जाओ. मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? 78. कौन सी कैटेगरी? OBC. नहीं, जनरल. जनरल. बता सकते हो किस प्रकार पेपर था आज का? नहीं सर. EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? ठीक है, थैंक यू. और पूछ लेते हैं, इधर. हाँ अंदर खड़े हैं और सब निकल रहे हैं. मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया मैम? स्कोर कितना? 102. वाह, अच्छे नंबर है अभी तक के. कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल. बता सकते हो EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? मतलब इनसे वाइगोत्स्की से, प्याजे से, इनसे पूछे. अच्छा, थे अंतरिक्ष भी आए थे. अच्छा, संस्कृत में गद्य पद्य आए थे, ज़्यादा कठिन नहीं था. तो आपका आपने कितने समय पहले पेपर कर लिया था? नहीं, पूरा समय लिया मैंने. पूरा समय लिया, बिल्कुल. थैंक यू यार, अच्छे मैम नंबर. आ जाओ फटाफट, आ जाओ बाहर. और पूछ लेते हैं तुरंत प्रवाह से. अब लास्ट एंड में जो हाईएस्ट है उन्हीं से लाइव व्यू लेते हैं और किस प्रकार से उनका पेपर गया. सर पेपर था आपका? नहीं. कितना कितना स्कोर है? 84. अब आ जाओ भैया. पेपर था मैम? पेपर था? नहीं. हाँ अरे सिस्टर, कितना पेपर? मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर चलो मैम. पेपर था आपका? नहीं. चलो आप पूछ लेते हैं, हाईएस्ट आज के भैया हैं और राजस्थान से भैया. और भैया कितने थे आपके? थे ना, कितने नंबर आपके? 122. 122 आपके. आपके कितने? 107. 107. और राजस्थान से आप? राजस्थान बड़ी साइड. एक आपके कितने सर? 101. एक एक से मैं डायरेक्ट अभी यहीं खड़े पूरा क्लियर दिख रहा है. राजस्थान जाना मेरे से पहले. हाँ बताइए कि EVS में किस प्रकार क्वेश्चन. 102 नंबर है आपके. और राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से हो आप? राजस्थान में बड़ी साड़ी चित्तौड़ जिले से. चित्तौड़ जिले. बता सकते हो आपने EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? EVS में यही जो पारिस्थिति के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. हाँ. जनरल टॉपिक जो भी है क्लाइमेट से रिलेटेड. अच्छा, क्लाइमेट से रिलेटेड. हाँ, वही है. और मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन से है. हाँ. सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ मान सकते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए. अच्छा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह. मैंने तो कर लिए थे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में मान सकते हैं. और अंडर रूट वाला था जैसे. संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में वही जो पांचों यूनिट्स हैं उसी पे आते हैं. अच्छा, हाँ. और इसमें किसे हैं आपने? हिंदी में? हिंदी में भी जैसे ग्राफ थे तो काफी इजी. ग्राफ के सॉरी पैराग्राफ थे ना, गद्यांश. हाँ. तो उससे इजी हो जाता है. ग्राफ गद्यांश पढ़ के आंसर देने रहते हैं. और ग्रामर से छोटे अनुलोम विलोम वगैरह कुछ पूछा गया आपने? हाँ, पर्यायवाची और पर्यायवाची शब्द वगैरह इजी रहते हैं. ये पूछा गया. संधि विच्छेद वगैरह कुछ पूछा? संधि विच्छेद भी पूछा. संस्कृत में पूछा गया संधि विच्छेद? संस्कृत में एक ही पूछा गया. अच्छा, प्रत्येक पूछा गया. चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का यही सिद्धांत पूछते हैं ज़्यादा. कंडीशन बेस्ड एक जैसे वाइगोत्स्की का पूछा, पावलो का पूछा. ये अच्छा, ठीक है. ये खड़े रहो आराम से थोड़ा सा. हाँ सर, कितना स्कोर किया आपने? 122. 122 कहाँ से आप? MP. MP में कहाँ से? यहाँ डीकेएन. अच्छा, नीमच जिले से भैया. नीमच जिले से और 122 नंबर है जी. ये भैया आज टॉप किया इन्होंने. MP वाला भैया ने टॉप किया आज. प्लस इधर आ जाओ आप. हाई बताइए आपका CDP में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे?
थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आराम से बिल्कुल। मेरे को स्कोर करना था 140 प्लस। 140 प्लस, वेरी गुड। कितने साल की तैयारी वैसे आपकी? तैयारी तो कुछ नहीं है, 5-6 महीने की। अच्छा, तैयारी कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है यार। 140 मतलब आन के 140 प्लस करना था, पर वो 122 ही हो पाया। जी, तो और क्या क्या पूछा गया चाइल्डहुड में पेडागोजी में? वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा मेरे को चाइल्ड, मतलब थोड़ा रिलेटेड पूछा, पर थोड़ा हट के पूछा। क्या क्या पूछा गया टॉपिक? क्या वो मतलब जो अपन ने पढ़ा ना? हाँ। वो न्यू आया। अच्छा, वो नहीं आया। थोड़ा अलग आया। किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए ये बताइए? जैसे मैथ्स में सरलीकरण वगैरह है। मैथ्स की अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात हो रही है। चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों के विकास के बारे में पूछा गया। सही बोल रहे आप। उनके मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनका आध्यात्मिक वगैरह जो भी, उनसे रिलेटेड पूछा गया। अब बात करते हिंदी में, हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संधि विच्छेद वगैरह और गद्यांश पद्यांश आए, 10-12 नंबर के गद्यांश पद्यांश थे। गद्यांश पद्यांश ज्यादा टफ तो नहीं थी? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ज्यादा टफ नहीं थे। नहीं नहीं। और इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए अपने पास? अलंकार, छंदी, विच्छेद वगैरह हिंदी पूछी गए? जी जी जी। वर्णमाला से कोई कवि कवियत्री के बारे में क्वेश्चन पाया? कवि के बारे में आया था। कौन से कवि के बारे में पूछा गया? वो कवि का संस्कृत में मुझे थोड़ा ज्यादा टफ लगा। संस्कृत में अपन को संधि वगैरह भी आई थी उसमें। अच्छा, संधि वगैरह आई। और ये पद्यांश गद्यांश थे। थोड़ा अभी एकदम माइंड में बन नहीं पा रहा है क्योंकि 2-2.5 घंटे का प्रेशर, मैं भी जानता हूँ कि 2.5 घंटे का प्रेशर बहुत रहता है बच्चों में। और आपके बहुत अच्छे नंबर, 122 नंबर। और बताइए, और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए मैथमेटिक्स में? बाकी तो सब अच्छा था मेरे हिसाब से। तो मैथमेटिक्स में सब मेरे हिसाब से सभी अच्छी थे क्वेश्चन। क्या क्या पूछा गया मैथमेटिक्स? सरलीकरण वगैरह था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। नंबर सिस्टम वगैरह से मतलब कैलकुलेटर क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा बस ज्यादा खास नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया? नहीं नहीं, रेखागणित से नहीं। अभी इसमें ईवीएस की बात करते हैं, ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन आपको भी याद आता है बताइए? बताइए, पर्यावरण के बारे में पूछा है ईवीएस में, और थोड़ा डीपली पूछा है। डीपली पूछा जी, बस। और बताइए, आपने 2.5 घंटे में कितना समय पहले पेपर कर लिया था? आपने 10 मिनट पहले कर लिया था पूरा, एकदम पूरा हो गया। सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? सबसे संस्कृत में ज्यादा प्रॉब्लम। संस्कृत अच्छी होती, मतलब 140 मार ही ले रहे। 140 प्लस हो ही जाता है, आराम से। फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं भैया आप। और आप बच्चों से मोटिवेशन के लिए 122 नंबर आए हैं आपके, तो किस प्रकार से तैयारी करें बच्चे की यार? हाँ यार, आगामी जो भी नए एस्पिरेंट हैं, जो BA DED कर रहे हैं, किस प्रकार से एकदम तैयारी करें कि इसकी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी ऐसे करें? अपने ऊपर यूनिक कोचिंग जाना है, वो करना है। और कोचिंग नहीं जा रहा, मेरे से तैयारी नहीं हो रही। बिल्कुल सही। घर बैठ के तैयारी करूँ, मैंने 4-5 घंटे निकाले घर में, ज़्यादा ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा हो ही नहीं पाता है घर पे। 4-5 घंटे मतलब 4-5 घंटे ऐसी लपक के तैयारी करी ना कि बस धुआं धुआं कर दिया भैया ने। बताइए आप, और इसमें और क्या क्या कहोगे? और बस और क्या बस ये एक। हाँ सर, आप क्या कहोगे बच्चों, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? बस हर टॉपिक को समझो। हाँ बिल्कुल, उस पर चर्चा करो, उस पर प्रश्नों का सामना करो। जितने प्रश्न आप खुद बना लेते हैं, जितने प्रश्न आप पहले से देख लेते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाता है एग्जाम में फेस करना। सही सही। सर एक मिनट, सर मोदी कितना स्कोर है आपका? आइए, कितना स्कोर? सर 101। 101। बताइए, आज का पेपर कैसा था? सर बढ़िया था, मॉडरेट। क्या क्या पूछा गया? सर EVS थी, संस्कृत। संस्कृत सबसे बेस्ट पूछी। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया आपने? सर संस्कृत में है सर अलंकार वगैरह है, और बस आराम पान, विलोम वगैरह है, समानार्थी शब्द वगैरह है, सारे पूछे। और क्या क्या EVS में क्या पूछा गया? EVS का थोड़ा सीटेड टाइप लेवल था। सीटेड टाइप का क्या क्या पूछा गया? अलग ही टाइप के क्वेश्चन ही थोड़े अलग थे। क्या क्या? एक्चुअली हम राजस्थान से, तो हमने तैयारी करनी रखी है, और बाकी तो ठीक था सर। ये आज टॉपर है सब भैया आए, 122 नंबर, 107 नंबर और 101 नंबर, और किसी का था पेपर? और तो ये आज के टॉपर हैं, इनके हाईएस्ट नंबर है, और इन्हीं से हमने जाने कि यार किस प्रकार से आप तैयारी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल भैया, आप है ना MP की नीमच की टॉपर है आज। MP ने आज मौज कर दी। हाँ सर, मैम पेपर था आपका? नहीं मैम, पेपर था आपका? मैम पेपर था? कितना स्कोर किया? इधर आइए। कितना स्कोर किया आपने? मैंने पूरा सॉल्व किया। नंबर कितने आए आपके? मेरे नंबर हैं 95। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए EVS में? एनवायरनमेंट स्टडी, मतलब पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। अच्छा, हार्ड पर मैं तो राजस्थान से हूँ, तो अच्छा राजस्थान से। हाँ, जनरल में आता हूँ, जनरल में हूँ, तो उस हिसाब से वह इतनी तैयारी नहीं की, नॉर्मल था पेपर। अच्छा नॉर्मल था। और हिंदी कैसे पूछे गए? हिंदी भी ठीक थी। संस्कृत
संस्कृत थोड़ी लेवल ज़्यादा था। संस्कृत लेवल हाँ। और CDP वो भी नॉर्मल नॉर्मल हाँ। ठीक है थैंक यू मैम। और महोदय पेपर था आपका और किसी का पेपर था सर? सर पेपर था आपका? नहीं अभी है मैम। पेपर था आपका कितना स्कोर किया? 102। आई 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 मैम आ तो अच्छा पेपर अच्छा था देखे। पेपर अच्छा नहीं था मतलब तैयारी अच्छी थी आपकी। बिल्कुल सही है। आज कहाँ से वापस है? वादो माता के पास बांगरेड। फिर नीमच ही टॉप कर गया आज। बताइए आप सीडी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सीडी भी तो टफ थी। अच्छा। हिंदी संस्कृत थोड़ी इजी थी। संस्कृत तो हाँ, और ईवीएस में तो आउट ऑफ जा ही रहा है। अब बताइए सीडी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सीडी में वो पेडागोजी लोग ज्यादा थे। अच्छा पेडागोजी में क्या क्या पूछा गया? पेडागोजी में वो NCF 2005 वाला था और एक कुछ फुल फॉर्म था। बिल्कुल सही। बस और याद नहीं आ रहा। और इसमें हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी में एक समास था, एक संधि थी सही। और बस उसी में से गद्यांश पद्यांश में से क्वेश्चन आंसर। और ये अलंकार वगैरह कुछ पूछे? अलंकार नहीं था, बस संस्कृत में था एक अलंकार। अच्छा, पूछा था और एक छंद। और इसमें क्या पूछा गया अपने पास? विलोम शब्द पूछे गए? विलोम शब्द नहीं था, संस्कृत में था एक विलोम था। संस्कृत में और क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में बस छंद विलोम और एक पर्यायवाची था। विलोम और बस और क्या पूछा गया संस्कृत में? गद्यांश किस गद्यांश पद्यांश पूछा गया? इजी थे ज्यादा टफ नहीं। किस प्रकार से धर्म के रिलेटेड? धर्म नहीं वो गुणा गुणेश वाला था। अच्छा वो था। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? मैथमेटिक्स में ठीक ठीक थे, सरलीकरण वाले थे, अनुपात वाले थे। अच्छा। बस। और इसमें EVS में? EVS थोड़ा टफ है, EVS में तो आउट ऑफ ही जा रहा है। आपके कितने? 101 102 नंबर। तो आप गर्ल्स को किस प्रकार, गर्ल्स को बॉयज को किस प्रकार? पेडागोजी पे ज्यादा ध्यान दे क्योंकि पेडागोजी गर्ल ज्यादा आ रहे। आपने अपना रनिंग फिटनेस क्लब का रिव्यू देखा है? हाँ देखा ना। तो क्या फायदा मिला आपको रिव्यू देखते देखते? पता चला किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे, उस सब थोड़ी तैयारी करने में अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। और क्या बोलोगे बच्चे किस प्रकार से? आपने कितना घंटा तैयारी की अभी? अभी तो चल रही लगातार 3 महीने से मैं तैयारी कर रही हूँ। 3 महीने जब से रिव्यू चला है आपने स्मार्ट वर्क किया कि हार्ड वर्क किया ये बताइए? हार्ड वर्क किया ना, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अच्छा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किया? स्मार्ट वर्क नहीं बस हार्ड वर्क। अच्छा हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क कर देना तो और कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आते हैं आप। एनालिसिस के अकॉर्डिंग चले। टेस्ट पेपर दिया आप? टेस्ट पेपर नहीं दिया। टेस्ट पेपर देना चाहिए था आपको, बहुत फायदा मिलता टेस्ट पेपर से क्योंकि पहले के क्वेश्चन फेस कर चुके होते ना वही आपको रिपीटेशन। पर बहुत अच्छे नंबर 102 नंबर। और कैटेगरी क्या आपकी? ओबीसी। थैंक यू। और चेक कर लेते हैं और बाहर देख लेते हैं। और किस प्रकाश महोदय? महोदय पेपर था? महोदय पेपर था आपका? था नहीं था? हाँ सर पेपर था आपका? नहीं अभी आपका हो गया ना रिव्यू? हो गया पेपर? नहीं अभी है। आपका था पेपर? नहीं था आपका? तो हो गया ना मैम? नहीं पेपर नहीं था आपका? और देख ले आपका था पेपर? हाँ। कितना स्कोर किया आपने? 76। कौन सी कैटेगरी आपकी? AC। बता सकते हो किस प्रकार पेपर था आज का? पेपर अच्छा ही था। क्या क्या पूछा गया? जैसे कि मतलब पावलाओ से क्वेश्चन था। हाँ पावलाओ से क्वेश्चन था और उसके अलावा जैसे संस्कृत वगैरह में लकार वगैरह आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और हिंदी में गद्य पद्य रहते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे कि इसमें चाय ये पर्यावरण अध्ययन में NCF से क्वेश्चन पूछे गए और बस इतना ही याद है। ठीक है थैंक यू मैम। मैम आपका हो गया रिव्यू? आप सबका हो गया ना? हाँ पेपर था आपका? बता दिया ना? बता दिया। बिल्कुल धन्यवाद आपको। आपका था पेपर? आपका हो गया ना रिव्यू? इनका इनका बीच हुआ नहीं था? आपका था पेपर? नहीं है, है? और किसी का नहीं था? ठीक है हाँ थोड़ा सा बोल लेते हैं। आज का पेपर भी आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने चैनल को रनिंग फिटनेस क्लब नीमच को। और जितने भी एग्ज़ाम होता है उनका लाइव रिव्यू मिल जाएगा इस चैनल पे आपको। और आज हाईएस्ट है नीमच की MP के भैया हैं, नीमच के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और 122 नंबर लेके आए। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से बोले कि संस्कृत मेरी वीक थी, संस्कृत की अच्छा होता तो 140 प्लस में मार के आता था। और देखा जाए तो आज का पेपर भी बहुत शानदार था, मतलब आज बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, उनको लाइव रिव्यू से बहुत फ़ायदा मिल रहा है और स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे और अब जाके इनको लग रहा है कि मेहनत हाँ कहीं ना कहीं रंग ला रही है। ठीक है थैंक यू।